अपने ट्वीट किया था भाई, उन्होंने बता दिया था कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। तो अभी आप इसके बारे में थोड़ा सोच लीजिए, पर आपको वेट करना पड़ेगा, ये अब कंफर्म है। दोस्तों आपको इसके स्पेक्स बताऊं, दोस्तों आपको इस भाई इसके अंदर एक 64 MP का दोस्तों जो कि हाईलाइट मेन कैमरा है, इसका हाईलाइट मेन ही कैमरा है। कैमरा मतलब कैमरे के साथ आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, इसकी बात नहीं, कैमरा आपको मिलेगा, आपको 64 MP कैमरा। हद होगी दोस्तों यार, 64 MP कैमरा किसे बोलते हैं। क्लियरिटी जूम जितना भी आप जूम करोगे आपकी क्लियरिटी बिल्कुल नहीं फटेगी दोस्तों, क्लियरिटी मतलब बहुत ज्यादा होने वाली है। और दोस्तों भाई इसके अंदर जो आपको मैं आपको बता देता हूँ इसके स्पेक्स हैं दोस्तों, बहुत दमदार स्पेक्स हैं। आपको 8 MP का दोस्तों वाइड एंगल लेंस, अल्ट्रा वाइड एंगल दोस्तों, मतलब एक तो वाइड होता है छोटा, अल्ट्रा वाइड जो कि बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, जिसमें आप अपनी दुनिया को की फोटो ले सकते हैं। मतलब आप जैसे 2 बंदे खड़े हो तो उसमें 10 बंदे खड़े हो तो आपको उसमें 5 बंदे की सिर्फ उसमें आएगी वाइड में, अगर आप अल्ट्रा वाइड दोस्तों आपकी 10 बंदे की पूरी फोटो आएगी, अल्ट्रा वाइड का फायदा होता है। और दोस्तों इसके अंदर आपको एक 2 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा, और दोस्तों एक और भाई आपको 2 MP का एक सेकेंडरी आपको कैमरे में मिल जाता है, जो भाई इसमें देखिए 64+8+2+2 आपको मतलब क्वाड कैमरा मिलेंगे, 4 कैमरा सेटअप मिलेंगे दोस्तों, ये बहुत एक प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों इसमें फ्रंट कैमरा मिलेगा आपको 20 MP, जो कि Xiaomi का फेवरेट कैमरा फ्रंट में देगा 20 MP का फ्रंट कैमरा, ठीक है ये बता दिया आपको। दोस्तों आपको 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल, और जो रैम होगी वो LPDDR4 RAM होगी, जो कि स्टोरेज होगी वो UFS की 2.1, जो कि एक मतलब बोल सकते हैं भाई इस टाइम वो स्टोरेज फास्ट है इस बजट सेगमेंट में भाई, जो है भाई स्टोरेज बहुत फास्ट निकल जाती है, बहुत बढ़िया रीड एंड राइट स्पीड है इसकी, ठीक है बहुत अच्छी स्पीड है। तो दोस्तों भाई इसके अंदर आपको 6.5 इंच का एक बड़ा सा डिस्प्ले, और आपको मतलब खुश कर देगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ रहा है, जो सैमसंग का एक एमोलेड पैनल है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं भाई कितनी क्लियरिटी होने वाली है। दोस्तों आप ये मत सोचिए पॉपअप कैमरा मिलेगा, पॉपअप कैमरा नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर, आपको इसके अंदर एक नोच मिलेगी छोटी सी नोच, जिससे आप खुश हो जाएंगे। इतनी बड़ी नोच भी बहुत टाइप में मार्केट में 3-4 की नोच होती है, एक तो आपको यू शेप की मिलेगी जो कि बड़ी सी होती है, एक वी शेप की मिलेगी जो एक छोटी सी कैमरा की, दोस्तों मिनी नोच मिलती है जो कि बहुत छोटी नोच होती है, वो नोच दी गई है ना, आप वो कैमरा को भूल जाएंगे। और दोस्तों जो नीचे की तरफ बेजल है बिल्कुल चिन दी गई है, छोटी सी चिन दी गई है दोस्तों की, ये बहुत अच्छा साइड में तो बेजल्स होते नहीं शाम की, क्योंकि आपने रेडमी K20 Pro और K20 देखा था दोस्तों, वैसा कुछ इसका भी सिलसिला है। दोस्तों इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 6 मिलेगा फ्रंट में, और भाई बैक साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन ऑलरेडी मिल जाएगी। दोस्तों इसके अंदर आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा, और दोस्तों आपको इसके अंदर मिलेगी 4500 mAh की बैटरी, खुद सोचिए 4500 mAh बैटरी, वो भी MIUI 10 के साथ आएगा कंफर्म है, और आपको एंड्रॉइड पाई तो इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। दोस्तों आपको इसके अंदर भाई फास्ट चार्जर भी मिल सकता है, क्योंकि चाइना में फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च किया गया, तो दोस्तों फास्ट चार्जिंग मिल सकती है आपको, 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिल जाएगा। देखो इंडिया में दे दे कुछ मेहरबानी कर दे तो दे भी सकते हैं, कुछ भी कर सकता है Xiaomi, इससे अपने बस एक उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि यार Xiaomi थोड़ा लेट करेगा पर धमाका जरूर करेगा। दोस्तों इसके अंदर एक मेन फीचर दोस्तों जो कि लिक्विड कूलिंग है, दोस्तों यार मैंने अब तक किसी भी 14,000 के फोन के अंदर 14-15 के मैं तो आपको बता दूं 15,000 से ज्यादा नहीं जाने वाला दोस्तों इसके अंदर लिक्विड कूलिंग परफॉर्मेंस। दोस्तों आपको प्रोसेसर बता देता हूँ, दोस्तों ये MediaTek का है हीलियो G90T प्रोसेसर, जो कि गेमिंग के लिए 730 को भी पीछे छोड़ के जाता है। दोस्तों ये प्रोसेसर मैं आपको एक अलग वीडियो लेके आने वाला हूँ जल्दी, दोस्तों इस प्रोसेसर दोस्तों ये प्रोसेसर बहुत दमदार प्रोसेसर दोस्तों, क्योंकि ये इसमें दिया गया ना, जो कि ये MediaTek का हीलियो G90T, ये 2 प्रोसेसर लॉन्च हुए थे, एक था MediaTek का हीलियो 90T था, 9090 था, हीलियो MediaTek का हीलियो 90 था ओनली, वो प्रोसेसर इससे छोटा है दोस्तों, जो इसमें दिया गया MediaTek का हीलियो G90T दोस्तों, ये सबसे बड़ा प्रोसेसर निकल गया जो कि हीलियो ने अभी निकाले है।
दोस्तों ये गेमिंग के लिए बिंदास चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। 4500 एमएच की बैटरी मिलेगी जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी आपकी। तो भाई दोस्तों 27 वोल्ट तक चार्ज सपोर्ट करेगी, ऐसा कुछ नहीं था जिसमें भाई फोन में 18 वोट का चार्ज मिलेगा। 27 वोट का आपको शाओमी का ही चार्जर लेना पड़ेगा, शाओमी अपने चार्जर भेज जाएगा, ठीक है। टाइप सी पोर्ट हो गया और भाई बता दिया मैंने आपको, और भाई थोड़े स्पेक्स आपको मैं बता देता हूँ। ये भाई लॉन्च जो मैंने आपको बताया था 1.5 महीना मान के चलिए फोन का। और दोस्तों आपको इसके अंदर भाई एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी स्लॉट मिल सकता है, जिससे आप 2 सिम वाली मेमोरी कार्ड एक साथ लगा के फुल आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों आपको इसके अंदर एक हेडफोन जैक भी मिलेगा, जो कि आपका एक भाई आपको इसके अंदर मिल जाएगा, तो हेडफोन जैक आपको मिलेगा, नो टेंशन फ्री रहिए दोस्तों। आपको भाई इसके अंदर दोस्तों अगले 3 अपडेट दिए जाएंगे, जैसे भाई एंड्रॉइड 5 में एंड्रॉइड 10 भी दिया जाएगा, और 10 से अगले जो कि 11 12 क्या उसका नाम रखा जाएगा नंबर वाइज, वो भी अपडेट मिलेगा दोस्तों। ये एक कंफर्म न्यूज है दोस्तों, फोन दमदार होने वाला है। इसका प्राइस और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों फिंगरप्रिंट मिलेगा दोस्तों, आपको बैक साइड में मिलेगा, कोई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा। तो ये चलता है भाई, इतना हम समझ सकते हैं भाई, नहीं होगा तो चलो कर सकते हैं। तो दोस्तों भाई इसके इसका जो प्राइस होगा दोस्तों, प्राइस मेन इसका दोस्तों, इसका प्राइस होगा 15,000 के नीचे नीचे, जो कि इसका 664 या 464 लगे तो उसका 16,000 मार सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा दोस्तों। ये फोन बहुत अच्छा फोन है। और दोस्तों आपको वीडियो भाई अच्छी लगी अब तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं कल वीडियो में, आपसे लेता हूँ अलविदा, तो बाय।